तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनु के बारे में। दोस्तों मनु, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इंडियन थिंकर्स आपका जब आता है तब आपको मनु ज़रूर पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पर आपका चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या फिर आप सिविल्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब में जब ये आपका आते हैं मनु, पॉलिटिकल साइंस आप लेते हैं तो आपको मनु के बारे में पढ़ना होता है। आज हम मनु के बारे में पूरा कवर करने वाले हैं, जिससे आपको एक बेस बन जाएगा कि मनु मेनली क्या थे और उनकी क्या क्या रचनाएं थी, उनकी क्या क्या फिलॉसफी थी उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मनु ने क्या लिखी थी, मनुस्मृति, ठीक है। तो अब इसको पहले हम तोड़ते हैं, मनुस्मृति को देखते हैं कि किस तरीके से इसमें मेन क्या चीज़ था। तो स्मृति, देखिए आप मनु के आगे जो स्मृति लगा, तो स्मृति को क्या कहा जाता है, आर्काड धर्मशास्त्र, यानी कि स्मृतियों को ही धर्मशास्त्र कहा जाता था। अब यहाँ पर जो आप धर्मशास्त्र समझेंगे तो इसको आप समझेंगे कि कौन सा धर्म, ये जो मतलब कि रिलीजन हम आज के ज़माने मानते हैं, तो ये वाला इसका कोई शास्त्र होगा, इसके धर्म के बारे में लिखा होगा, लेकिन नहीं। बट देर डोंट रिफ्लेक्ट प्रेजेंट टाइम मीनिंग ऑफ धर्मा, मतलब ये इस आज के समय की मीनिंग नहीं रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्या करते हैं, धर्मा मीन्स ड्यूटी एंड ओपिनियंस ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब कि धर्म का मतलब है कर्तव्य और आपकी विचार। जैसे कि कहते नहीं कि हम धर्म संकट में फंस गए, यानी कि विचारों के संकट या फिर कर्तव्य के संकट में फंस गए हैं, तो डैट इज धर्मा। तो इसका मतलब हुआ कि मानव, मनु का मतलब है मानव और स्मृति का मतलब है धर्मशास्त्र, यानी कि मानव के कर्तव्यों का जो शास्त्र है उसको कहते हैं हम मनुस्मृति, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से कार्य करने चाहिए, कर्तव्य क्या क्या है एक मानव के। अब हम बात करते हैं कि देयर वेयर दीज वेयर रिटन डाउन फॉर अ हैप्पियर लाइफ एंड फॉर बीइंग एबल टू गुड आफ्टर दैट, मतलब कि ये क्यों लिखे गए, तो एक अच्छे जीवन के लिए, जब प्राचीन काल में कुछ नहीं था, मतलब एक कानून नहीं था कि इस तरीके से चला जाए, तो उस समय इसको एक अच्छी लाइफ के लिए और जीवन के बाद भी, मतलब कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ये चले, इसलिए इसको लिखा गया कि आप इसको फॉलो करेंगे तो ये अच्छा होगा। इसके बाद जिस तरीके बुक्स में चैप्टर होते हैं, तो मनुस्मृति में 12 चैप्टर थे, कितने, 12 चैप्टर। These contents are aspects of human life like social, economical and political, मतलब कि इसमें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी तरीके की चीज़ें थी, कर्तव्य थे कि आपको समाज में कैसा होना चाहिए, आपको आर्थिक मतलब चीज़ें करने के लिए किस तरीके से करना चाहिए काम, और जो आपका पॉलिटिकल राजनीति के लिए आपको कैसा करना चाहिए। तो ये जो था, ये था आपका एक तरीके से सब्जेक्ट मैटर, ये था सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ये पूरा था सब्जेक्ट मैटर जो अभी हमने पढ़ा। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मनुस्मृति पर सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय सामग्री लिखिए, तो आपको ये सब लिख देना है क्या क्या उसकी विषय सामग्री है। अब इसमें से जो मेन था तो वो सब हो गया, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप गूगल से भी वो देख सकते हैं। 12 जो चैप्टर, वो आपको वैसे भी याद करने पड़ेंगे, तो उनको समझने से क्या फ़ायदा, वो तो वैसे भी रटना है केवल। तो जो पहला चैप्टर था यहाँ पे, वो था क्या कि उत्पत्ति, जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अध्याय में क्या, तो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। इसके बाद अगले में आते हैं, अगला यहाँ पर जब आप लिखते हैं तो आपको लिखना होता है कि फिलॉसफी ऑफ मनु, यानी कि मनु का दर्शन क्या था। तो मनु बताते हैं पहले कि वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, ये मनु बताते हैं कि एक यूनिवर्सल गॉड है, मतलब कि एक भगवान है जो सब पूरी जगह है। उन्होंने ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा ने अपने आप को दो हिस्सों में बाँट दिया, इनमें से एक मेन और एक वीमेन, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने मेन और वीमेन में बनाया, ये तो एक ये हो गया कि मतलब कि इंसान धरती पर किस तरीके से आया, ये उनकी ओरिजिन था, वर्ल्ड ओरिजिन की कैसे दुनिया बनी, ठीक है। लेकिन अब इसको
बढ़ाने के लिए अगर हम बात करें तो कोई चीज़ तो करनी पड़ेगी ना, कि जिससे कि ये आगे बढ़ेगा, संसार सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए फॉर ग्रोथ ही ऑरिजिनेटेड, किसने, गॉड ने, भगवान ने ऑरिजिनेट किए ब्राह्मीन मुंह से, ब्रह्मा के, क्षत्रिय उनके कंधों से, और वैश्य को उनके जो पेट से, और इसके बाद शूद्र को फीट से, पैर से, ये उनके द्वारा बताया गया। तो ये कि और उनके कार्य बांट दिए गए, जैसा कि आपको पता ही होगा। वो तो उस तरीके से आप देखेंगे कि मनु ने की ये फिलॉसफी थी। इसके बाद आ जाता है कास्ट सिस्टम। तो मनु कहते हैं कि एवरी कास्ट हैज डिफरेंट ड्यूटीज, नो इंटरफियर इन ईच अदर। मतलब वो कहते हैं कि हर जाति के पास अपने अपने कार्य हैं, तो वो एक दूसरे के में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए, मनु के विचार हैं। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर वो बताते हैं सिस्टम, सिस्टम ऑफ आश्रम। वो एक आश्रम का सिस्टम देते हैं, उसमें कहते हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये आपको पता होंगे। तो ब्रह्मचार्य जो है 25 ईयर तक, मतलब कि जी जब बच्चा पैदा होता है उसे 25 साल तक उसे वो ब्रह्मचार्य में रहना चाहिए। इसमें वो क्या करेगा, उसमें वो पढ़ेगा, एजुकेशन होगी उसकी। फिर आता है गृहस्थ, गृहस्थ यानी कि 25 से 50 तक उसे फैमिली, अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। और वानप्रस्थ में क्या होगा कि 50 से लेकर 75 तक वो सोशल वर्क करेगा, समाज के लिए कुछ करेगा। और संन्यास जो है वो 75 से 100 तक वो मेडिटेशन, ईश्वर पे ध्यान लगाएगा। तो ये उसने 100 साल को एक एवरेज मान के, कितने साल को, 100 साल को एवरेज मान के उसको 4 भागों में तोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद स्टेट, ये आपका फिलॉसफी जो मनु की थी, ये ख़त्म होती है यहाँ पे। यानी कि तीन चीज़ें, ऑरिजिन ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड, इसके बाद कास्ट सिस्टम, और सिस्टम ऑफ आश्रम। इसके बाद अगर देखें तो स्टेट थ्योरी ऑफ मनु, यानी कि मनु के राज्य का सिद्धांत हम बात करें, तो मनु बताता है कि 7 चैप्टर, इन 7 चैप्टर ऑफ मनुस्मृति, जो 7वां भाग था मनुस्मृति की, मनु डिस्क्राइब्ड दैट इन नेचुरल स्टेट देयर वाज केओटिक सिचुएशन एवरीवेयर। मतलब कि यहाँ पर अराजकता थी, चारों तरफ अशांति थी। तो क्या हुआ, सो गॉड मेड अ किंग कंसिस्टिंग मैनी टाइप्स ऑफ पावर सच एच पवन, अग्नि, वरुण, कुबेर। तो क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि जब चारों तरफ अशांति थी तो भगवान ने क्या किया कि एक राजा को बनाया, और वो राजा के अंदर हर तरीके की पावर थी, जिसमें हवा की भी और आग की भी, और जो है उनके पास धन भी था कुबेर की। तो इस तरीके से उसको हर तरीके से स्ट्रांग बनाया, उसके पास हर तरीके की पावर है। अब उसके पास हर तरीके की पावर है तो वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी बात सबको मानना पड़ेगा। तो दिस किंग इज़ वेरी स्ट्रांग, ठीक है, तो वो बहुत सबसे स्ट्रांग रहेगा। ऑल दो इट इज़ अ चाइल्ड, चाहे वो बच्चा हो, अगर वो बच्चा भी है तब भी उसकी बात सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि वो मतलब कि ये भगवान द्वारा बनाया गया और उसके अंदर ये सब पावर्स हैं, और भी जाएँ बहुत सारी थी। तो इसके बाद क्या होता है, ऑल दो देयर इज मैनी सिमिलरिटी विद द वेस्टर्न थाट्स ऑफ। अब हम अगर वेस्टर्न में हमने पढ़ा था कि जो दैवी सिद्धांत था, भगवान वाला सिद्धांत था वेस्टर्न कल्चर में, तो उसको वो जो था वो भी जो किंग था वो इमर्ज किया गया था भगवान के द्वारा। पोस्ट ऑफ किंग इज डायनेस्टी वाइज, सो नो क्वेश्चन अबाउट एबल और अनएबल। उसमें जो वंशानुगत फिर रहता था, और उसमें एबल अनएबल का कुछ हो नहीं था, किसमें, वेस्टर्न वाले में। और वो गॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, पब्लिक के लिए नहीं, और उसके अगेंस्ट कोई रिवॉर्ट नहीं हो सकता था, चाहे वो पापी हो। ऑल दो एवरीबडी शुड ओबे किंग, और उसको सब लोगों को पालन करना चाहिए था। लेकिन मनु क्या एकदम जो किंग उन्होंने बनाया है, और जो भगवान ने मतलब बनाया है, तो वो कहते हैं कि ये राजा की ड्यूटी होगी
कि वो प्रजा की रक्षा करे, और प्रजा की अगर वो रक्षा नहीं कर पाता तो लोग उसके खिलाफ बोल भी सकते हैं। सो इस तरीके से वो बताता है कि वो अनैतिकतापूर्ण अपना शासन नहीं कर सकता राजा। और इसके बट मनु लिमिटेड मैनी पावर्स ऑफ किंग, सो वी कैन से एज वेल एज इट्स डेविल थ्योरी बट इट हैज इट इज ए डिवाइन थ्योरी। ठीक है, तो ये डिवाइन थ्योरी इट हैज रिफ्लेक्शंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट्स, मतलब कि ये डिवाइन थ्योरी थी लेकिन फिर भी इसके अंदर सामाजिक समझौता वाले सिद्धांत की चीज़ें दिखती हैं, नज़र आती हैं। तो ये आपका था स्टेट का, जो उसने मनु बताते हैं कि किस तरीके से राजा बना, स्टेट थ्योरी ऑफ मनु। अब हम बात करते हैं मनु की पेनोलॉजी। मनु क्या बताते हैं दर्शन दंड दर्शन के लिए कि किस तरीके से दंड देना चाहिए। मेनली दंड है क्या, तो पनिशमेंट इज बेस ऑफ स्टेट। मतलब मनु बताते हैं कि अगर पनिशमेंट ना हो तो एक स्टेट नहीं बन सकता। और इट इज़ पेनोलॉजी इज नॉट ओनली दैट पनिशमेंट, इट इज़ मेनली पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और वी कैन से पनिशमेंट इज स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पुलिस। विदाउट इट सिचुएशन विल बी क्योटिक, बट किंग हु इज यूजिंग इट शुड बी गुड इंटेलिजेंट जज सोशल, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल। मतलब कि जो राजा इसे यूज कर रहा है उसको अच्छा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और न्यायप्रिय होना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत मतलब कि गलत तरीके से और हार्मफुल हो जाएगा। बिकॉज इट्स चेक्स स्ट्रॉन्ग टू रिप्रेस वीक, क्योंकि ये जो शक्तिशाली उसको रोकता है उनके जो गरीब हैं उनके दमन के लिए। और तो ये था पेनोलॉजी कि किस तरीके से मनु की पेनोलॉजी थी। इसके बाद मनु बताते हैं अगली चीज कि ज्यूडिशियल प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। तो जिस तरीके से वो बताते हैं कि प्रोसीजर मीन्स केस हियरिंग देन जजमेंट, सो पहले केस होना चाहिए पक्ष और विपक्ष से, फिर उसके बाद उसकी हियरिंग होनी चाहिए अच्छे तरीके से और फिर उस पर जजमेंट होना चाहिए। फर्स्ट विक्टिम केस ऑफ फाइल देन अक्यूज प्रेजेंट जज हियर्स देम एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू मनी अकॉर्डिंग टू मनु हियरिंग नीड टू टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। तो मनु बताते हैं उस समय कि दो तरीके के एविडेंस होने चाहिए, एक हो सकते हैं एक है मैन एविडेंस एक है डिवाइन एविडेंस, यहाँ पर डेविल गलत है तो डिवाइन एविडेंस ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिवाइन एविडेंस। तो मैन एविडेंस में क्या रिटन कि मतलब आपने किसी के साथ कोई समझौता किया और वो जैसे कि हमें 500 रुपये देने का वादा हुआ, तो इस तरीके से 500 वो लिखित में है आपका, तो वो एक प्रूफ है। या फिर कोई कंज्यूम्ड या फिर किसी ने उस चीज़ को मतलब यूज कर रहा है, कोई आपका घर किराए पे लिए है, तो दैट इज मतलब कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपके पास दिखाने के लिए कि देखिए हमारी जगह और ये मतलब कि हड़पे है, ये लैप्से नीति की तरीके ये हमारी ज़मीन को अपने कंट्रोल में लिए, तो ये दूसरा हो गया। तो एक रिटेन है, एक आपका कंज्यूम्ड है, तीसरा विजिटर। अगर कोई मतलब आपका केस उस समय प्रेजेंट था मतलब कि जिसको हम गवाह कहते हैं, तो वो एक तीन तरीके के ये सबूत हो सकते हैं। इसके अलावा डिवाइन में अगर हम बात करें तो डिवाइन में एविडेंस में एक था वाटर और एक था फायर। तो फायर में क्या होता था कि आग के अंगारों से गुजरना होता था, अगर बच जाता है विक्टिम या फिर इसके अपर केस है तो उसकी बात सही मानी जाएगी। और अगर पानी में भी इसी तरीके कुछ समय तक पानी में खड़ा होना पड़ता था, अगर वो बच जाता है तो मतलब वो बात सही बोल रहा है। तो इस तरीके से ये जो दो थे इनको दिमाग से भरपूर नहीं माना गया और इनको प्रेजेंट टाइम में कैंसिल कर दिया गया आज के समय में, लेकिन ये हमें हर जगह देखने को मिलते हैं कोर्ट्स में। तो इन थ्योरीज को जो है कैंसिल कर दिया जाता है।
बिकॉज किंग इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ स्टेट सो अकॉर्डिंग टू मनु दिस शुड बी इंटेलिजेंट ड्यूटिफुल एंड जस्टिस लवर, न्यायप्रिय होना चाहिए। मतलब देखिए, पहली बात हमने की थी ऑर्गन्स में राजा को, तो राजा वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हुआ ना, तो इम्पॉर्टेंट है राजा तो उसको बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना, तो वो सब हमें पता है। इसके बाद एंड ही शुड ऑर्डर पब्लिक डेट दे वर्क अंडर द क्लासेस प्रोविजंस, और उसको ऑर्डर करना चाहिए किसको, पब्लिक को, जनता से काम उसी जैसा कि वर्ग विभाजन हुआ है उस आधार पे काम करवाना चाहिए। ही शुड ऑल्सो पनिश रॉन्ग, उसको गलत को पनिश करना चाहिए, सिक्योरिटी करनी चाहिए पब्लिक की। नॉट सो मच इंटरेस्ट इन डांस एंड म्यूजिक, वो कहता है कि डांस और म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ डेली शेड्यूल फॉर अ किंग लाइक बाथ, एक्सरसाइज, जस्टिस, मीट विद मिनिस्टर्स, फॉरेन एम्बेसडर, नाइट एक्सरसाइज, चेक ओवर मिलिट्री आइटम्स, स्पाइस वर्क, म्यूजिक, स्लीप। तो वो बताता है कि सुबह किस तरीके से उठना चाहिए और उसको स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, फिर उसके बाद न्याय करना चाहिए, अपने मिनिस्टर्स से मिलना चाहिए और फॉरेन एम्बेसडर से मिलना चाहिए, फिर शाम को रात में क्या करना चाहिए उसे चेक करना चाहिए मिलिट्री आइटम्स जो हैं, है ना, और स्पाइस के गुप्तचर से मिलना चाहिए, जो उनसे कार्य हैं वो करने चाहिए, और रात में थोड़ा सा म्यूजिक सुन के फिर उसे सोना चाहिए। तो ये था। इसके बाद हम एक्सचेकर और एंड टैक्सेशन, यानी कि ट्रेजरी और टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे कि एक राजकोष का कार्य क्या होगा, मतलब कि जो मतलब हमारे पास धन होगा उसको हम कहाँ अपने यूज में लगाएंगे कि बाहर के। तो वो सब राजा के बारे में बताता है, कब वो लगा सकता है या फिर कब नहीं। अकॉर्डिंग टू मनु, राज अकॉर्डिंग टू मनु वो बताता है कि एक्सचेकर शुड बी यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, यानी कि राजा को पब्लिक वेलफेयर में और सिक्योर उसकी रक्षा में लगाना चाहिए, नॉट फॉर किंग्स पर्सनल यूज, ये नहीं कार खरीद के ले आए वही पैसा। तो इस तरीके से वो राजा बताता है कि अपनी यूज में नहीं लगाने चाहिए। वो बताता है कि टैक्सेशन इज अ वे विद द हेल्प किंग फुलफिल एक्सचेकर, वो कहता है कि जो टैक्स से कर से वो जो अपना वो है क्या, मतलब कि ट्रेजरी उसको भरता है और टैक्स से के बिना कैसे वो भरेगा। तो वो कहता है कि टैक्स कहाँ से आना चाहिए, टैक्स सिक्योरिटी से आना, सैक्रिफाइस एंड फार्मिंग, मतलब बलि और कृषि से, बाई फाइंस लगा कर, है ना, और इसके बाद अदर ट्रेड और टोल टैक्स, यानी रोड का, नदियों पार करने का, इस तरीके से वो लेबर्स और क्राफ्ट्समैन पे भी से भी टैक्स लेना चाहिए, मजदूरों से और जो क्राफ्ट्स पर्सन है उनसे भी। और टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन व्यथा मुक्ति थ्योरी, पब्लिक स्टूडेंट हर्ट विथ इट, मतलब कि वो ऐसी व्यथा मुक्ति थ्योरी वो देता है कि इसमें मतलब कि पब्लिक को हर्ट ना होना चाहिए, और पब्लिक खांसते हुए इसे दे दे, लेकिन अब इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या होगा कि टैक्स शुड बी लिटिल बट रेगुलर, मतलब कि छोटा हो, क्या टैक्स कम हो, लेकिन उसको रोज़ लिया जाए, मतलब कि रोज नहीं तो एक तो मतलब कंटिन्यूस लिया जाए, ये नहीं कि लिए फिर उसके बाद भूल गए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि पराराष्ट्र संबंध उसके देख लेते हैं। तो मॉन्डल प्रिंसिपल देता है कि फॉर पावरफुल स्टेट वांटेड टू एक्सटेंड बॉर्डर, सो देयर विल बी फोर टाइप्स स्टेट्स अंडर इट्स आयर, अगर वो कहता है एक राज्य है तो अगर अपने आप को बढ़ाना चाहेगा तो उसके चार तरीके के संबंध बनेंगे, मतलब चार तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनेंगे, जिनमें से उसे चार तरीके के राज्य देखने को मिलेंगे। एक फर्स्ट है इनेमी स्टेट, देन सेकंड अलायंस स्टेट, थर्ड मिडिल स्टेट एंड लिबरल स्टेट। इनेमी स्टेट क्या होगा कि जो हरदम चाहेगा कि ये ना बढ़े, अलायंस स्टेट उसकी हरदम सहायता करेगा, मिडिल स्टेट अपने आवश्यकता अनुसार जब उसको काम पड़ेगा तो इधर से बोलेगा, जब काम पड़ेगा तो उसके विपरीत भी बोलेगा।
और चौथा जो है लिबरल, वो ना उसके विपरीत बोलेगा ना उसके साथ में बोलेगा। तो इस तरीके से चार तरीके को वो स्टेट बता देता है, मनु बताते हैं कि होने चाहिए। सो बाय दिस किंग शुड बैलेंस ऑल दीज, तो इस तरीके से वो अगर इस तरीके के चारों किंग रखता मतलब अपने आईआर इंटरनेशनल रिलेशन रखता है तो वो बैलेंस कर पाएगा। मतलब अगर मान लीजिए उसके दुश्मन हैं 10 और मित्र स्टेट हैं उसके केवल 2 ही, लिबरल भी है मान लीजिए लिबरल से कोई मतलब नहीं, मिडिल है उसके 3 ठो, तो मिडिल तो कभी इधर कभी इधर, तो इसलिए क्या होगा कि आप जो उसके 10 थे कौन से मित्र 10 थे उसके कौन से यहाँ थे, दस हैं इसके दुश्मन, दुश्मनी ज़्यादा होती हैं, और 2 हो गए यहाँ पे अलायंस मित्र फ्रेंड वाले, 3 हो गए मान लीजिए मिडिल वाले, तो ये एक तो 13 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, लेकिन हरदम ये से ज़्यादा ही रहेगा। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको मतलब कि बैलेंस एक बनाना चाहिए किसी भी तरीके, इसी को अपनी तरफ कदर करके रखे, लिबरल वालों को अपनी तरफ करने की कोशिश तक करे, तो इस तरीके से वो बैलेंस बनाएगा। इसके बाद वो बताता है 6 क्वालिटी ऑफ पॉलिसी, वो बताता है कि नीति के साष्टांग यानी कि 6 क्वालिटी होनी, 6 गुण होने चाहिए एक नीति बनाने में, जिसमें ट्रीटी होगी, संधि करो, डिवाइडेशन मतलब कि डिवाइड कर दो, अगर कहीं पे जो है ज़रूरत पड़ती है, अयान यानी कि इसमें क्या, यान का मतलब क्या था, अटैक व्हेन एनिमी वीक, यानी कि जब जो आपका दुश्मन वो कमज़ोर हो तब उस पर अटैक करो, रेस्ट करना चाहिए, अगर युद्ध लंबे समय से चल रहा है तो बीच बीच में रेस्ट भी करना चाहिए। शेल्टर उसका बताता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरे, पांचवें बताता है कि दूसरे राजा के पास भी शेल्टर यानी आश्रय लेना चाहिए। और इसके बाद वो द्वधिभाव बताता है कि उसको ये नहीं कि अपनी पूरी आर्मी दे आर्मी ऑफिसर को, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको आधी आर्मी आर्मी कमांडर को देनी चाहिए, आधी आर्मी खुद रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए आर्मी कमांडर सोचता है हम खुद राजा बन जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसके पास पूरी आर्मी, वो अटैक कर देगा इन सब के इसके ऊपर, राजा के ऊपर, और ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर आधी इनके पास होगी, आधी इधर होगी, आधी इधर होगी, तो ये दोनों मिलके चलेंगे और आपस में मतलब कि सामंजस्य बना के चलेंगे। इसके बाद एम्बेसडर सिस्टम होता है, एम्बेसडर सिस्टम में क्या है कि एम्बेसडर सिस्टम आईआर में है कि उसको अच्छे दूत भेजने चाहिए जो कि मतलब देशभक्त हों इस तरीके से। और वार पॉलिसी में वो एथिकल, ब्रेव और रिस्पेक्टफुल की थ्योरी देता है, वो कहता है कि वार जो लड़ाई होनी चाहिए, तो लड़ाई कैसी होनी चाहिए कि नैतिकता भरी होनी चाहिए, यानी कि निहत्थे पर वार न करना इस तरीके से। और बहादुरी से एक राजा को वो कहता है लड़ना चाहिए जब तक अंतिम सांस हो उसकी, और मैदान से छोड़ के भागना ना चाहिए। और रिस्पेक्टफुल में वो बताता है रिस्पेक्टफुली अगर कोई राजा को किसी राजा ने बंदी बना लिया तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और उसको उसके धन को मतलब कि को उसकी प्रजा के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरीके से वो बताता है। तो आशा करते हैं कि आपको मनु समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो अगली वीडियो है कौटिल यानी चाणक्य की वो आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो का जो नोट्स हैं वो आपको नीचे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।